घुटना एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। तुम्हारा तबियत कैसा है? तुम्हारा तबियत कैसा है? ठीक है, चक्कर आ रहा है थोड़ा थोड़ा, मेडिसिन चल रहा है। हॉस्पिटल जा रही क्या? हाँ शाम को जाऊंगी मैं हॉस्पिटल। अच्छा, आज मम्मी से मिलने कब आओगी? कल आऊंगी, कल मैं भी आऊंगी, दोनों मिल के आएंगे। सो कल दीदी फिर से आएगी, अभ्यांश भी आएगा, तो कल भी सब आ जाना, ठीक है। सो इसको बहुत खराब लग रहा है क्योंकि हम सब यहाँ पे और ये नहीं है यहाँ पे, बट इसका भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसको भी चक्कर आ रहा है, तो फिर कोई ना, चलो बाय बाय। सो अभी हम सब वापस जा रहे हैं घर क्योंकि मम्मी का ऑपरेशन अब तक स्टार्ट नहीं हुआ है। ओटी जानजू ओटी अभी भी फुल गाइस। सो अभी हम लोग वापस घर आ गए हैं, मैं, शिव, शिविका, अंजू और बड़ी दी। सो हमने बड़ी दी को रास्ते में उनके सोसाइटी के पास ड्रॉप कर दिया और हम वापस घर आ गए हैं। एंड अभी मेरा भाई से बात हुआ कि अभी उन लोग को कॉल आया ओटी से कि अभी उनका मतलब अभी मम्मी का ऑपरेशन होगा। सो हमें उन्होंने 9 बजे का टाइम दिया था और अभी बज रहे हैं 2:10। सो इतना लंबा टाइम हमें वेट करना पड़ा। सो कुछ हमें मतलब ऐसा भी होता ना कि बोलते कि 2 बजे ऑपरेशन तो हम रुक जाते, बट कुछ था ही नहीं, तो हम वहाँ से 1 बजे निकल गए और 2:10 हम यहाँ पहुँच गए। और अभी मम्मी जाएगी ओटी में, देखते हैं कितने घंटे का ऑपरेशन रहता है और कैसा ऑपरेशन रहता है। मैं कॉन्स्टेंट टच में हूँ भाई और पापा के साथ क्योंकि अभी हॉस्पिटल में भाई और पापा ही हैं। सो देखते हैं, आई होप कि सब अच्छे से हो जाए और देखते हैं। यहाँ पे मम्मी अपना नाक वाला खोल रही है। एक्चुअली ऑपरेशन थिएटर में ये सब कुछ अलाउड नहीं है। मम्मी ने सब कुछ खोल दिया था बट नाक वाला उनसे खुल नहीं रहा था, तो उन्होंने ऐसे छोड़ दिया। बट बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं खुला, तो एंड में नाक वाले के ऊपर पट्टी लगाया गया। तो यहाँ पे देखिए मम्मी ऑपरेशन थिएटर के बाहर है एंड बिल्कुल रेडी है ऑपरेशन के लिए। अभी मैं आ गई हॉस्पिटल। अब देखिए दीदी, अभ्यास, भाई बैठा हुआ है और इधर मम्मी है, बहुत ज़्यादा पेन में है। यहाँ पे देखिए उनका सर्जरी हुआ है, बहुत उनको पेन कर रहा है और मशीन का। और यहाँ पे देखिए मशीन लगा है क्योंकि मम्मी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा रो रही है मम्मी। आज मैं अकेले आई हूँ क्योंकि शिविका निकल बहुत परेशान के, इसलिए उसको नहीं लेकर आया है। पी लो मम्मी पानी, थोड़ा सा पी लो। सो अभी देखिए मम्मी को दोबारा सलाइन लगा दिया गया है क्योंकि मम्मी को बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था, बहुत ज़्यादा पेन में। सो अभी हम आ गए हैं लंच करने, मैं, दीदी और रितेश एंड अव्यांश। चना भटूरे लिया है और लिया है एक चाय। ये देखिए दीदी, रितेश और अव्यांश। तो लंच हमारा हो गया और अभी हम निकले हैं बाहर देखने के लिए कि आसपास क्या है। नारियल पानी मिलेगा तो नारियल पानी मम्मी के ले जाएंगे। देखते वायर वायर से अभी तो रिसेंट देख रहे हैं ना। हां बेटा, क्या एक्सीडेंट हुआ है, वायर गिरा हुआ है।
नीचे जाने की कोशिश हो गया तब मैं सीधा आया ना पकड़िए मम्मी नहीं पीला कुछ लगे का मम्मी की फिजियोथेरेपिस्ट आ गई हैं। वो सुबह भी आए थे बट मम्मी को इतना उल्टी फील हो रहा था कि सुबह नहीं हो पाया एंड अभी दोबारा हो रहा है। सो ये दिन में दो बार आती है मम्मी की फिजियोथेरेपी के लिए। मम्मी आँख खोलो। फिजियोथेरेपिस्ट हमें सारे एक्सरसाइज बता रही हैं ताकि उनके एब्सेंस में हम मम्मी को एक्सरसाइज करा सके और उन्होंने बोला कि रिकॉर्ड कर लीजिए ताकि आप भूल ना जाए। ओके देन थर्ड इज प्रेसिंग द हील डाउन फोर्थ इज ट्राई बेंडिंग द नी इन एंड आउट देन Ask her to lift the leg straight without me bending. Okay. Straight, up and down. Up and down. Then on the sides. Okay. Okay. Huh. It is for both the knees. Both the knees. Okay. Okay. गाइस मम्मी बहुत ज़्यादा पेन में थी। इतने पेन में थी कि मैं आपको बता नहीं सकती थी क्योंकि धीरे धीरे एनेस्थेसिया का असर कम हो रहा था, उनका पेन बढ़ते जा रहा था और वो कुछ भी नहीं खा रही थी, जो भी खा रही थी सब वो उल्टी कर रही थी। तो हम सब बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। पूरा बैंडेज में बंधा हुआ है। बाप रे उसे सीधा करो। मैं बोलते हैं ये क्रेप बैंड बांध देगी, थोड़ा सा आराम मिलता है मशीन से। मैंने अपने हाथों में मेहंदी लगाया था उसकी वजह से उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम आ रहा था। मम्मी मम्मी हम लोग आ रहे हैं, ठीक है? कल आई हूँ मम्मी। टेंशन मत लेना, समझे? थोड़ा सा दर्द है फिर, अब आधा दिन तो चला गया ना मम्मी, ठीक है? आज मम्मी का डे 4 है हॉस्पिटल में एंड सुबह सुबह नर्स ने उनको नहला दिया है और अभी उनको सलाइन एंड बीपी वगैरह जो भी होता चेक करने के लिए वो आए है एंड अभी सब कुछ नॉर्मल है बीपी वगैरह। लेकिन हाँ, पेन उनका अभी तक भी उतना ही है और खाना वाइज अभी भी वो कुछ नहीं खा रही क्योंकि जो भी खा रही उनको सिर्फ उल्टी फील हो रहा है। गाइस अभी हम जा रहे हैं रात को प्रियंका दी के घर, मैं, अंजू और शिविका। फिर वहां से हम जाएंगे मणिपाल हॉस्पिटल मम्मी से मिलने। मामा जी मिलेगा। ये देखो तो ये क्यों खा रहे हो? पापा मां के लिए आता है।
मामा या बाबा ये क्या कुछ बोला जखने बाबो बोले बता नहीं बोला ही। अब हम जा रहे हैं घर हॉस्पिटल से मम्मी से मिलने है ना भाई।